हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई क्रैक में। मैं चंदन कुमार। आज हम मिक्सर का कनेक्शन समझने का प्रयास करेंगे और इसे प्रैक्टिकली भी करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब देखते हैं मिक्सर में कौन कौन पार्ट होते हैं, थोड़ा उसको समझ लेते हैं, उसके बाद इसका हम लोग कनेक्शन करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें दो प्रकार के कॉयल होते हैं, एक होती है स्पीड कॉयल, एक होती है कॉमन कॉयल। ठीक है, जो आप देख रहे हैं कॉयल, ये दो कॉयलें होती हैं। एक कॉयल जो स्पीड कॉयल होती है उसमें चार टर्मिनल निकले होते हैं, लेकिन ये कॉयल जो होती है एक ही होती है, इसमें टेपिंग करके तीन स्पीड निकाले जाते हैं। और एक ये होता है जो इनर होता है। ठीक, यानी इसमें टोटल स्पीड कॉयल में चार तारें निकलती हैं। उसके बाद जो कॉमन वायर आता है हमारा, कॉमन वायर में दो तारें निकलती हैं। ठीक, उसके बाद है हमारा आर्मेचर होता है, एक आर्मेचर होता है। आर्मेचर में अब जो देख रहे हैं ये आर्मेचर है और इसमें कार्बन ब्रश लगे होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये दोनों कार्बन ब्रश हैं। ठीक, उसके बाद हमारा एक रोटरी स्विच होता है। इस रोटरी स्विच से हम इसकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं, इस रोटरी स्विच से। ठीक, इसके बाद हमारा एक इंडिकेटर होता है और उसके बाद हमारा एक रिले होता है। ये रिले क्या करता है कि जब मोटर ओवरहीट हो जाती है या ओवरलोड हो जाता है तो रिले मोटर को क्या करती है, ऑफ कर देती है। ठीक है, और रोटरी स्विच हमारा इसकी स्पीड को कंट्रोल करता है। इंडिकेटर हमारा ये बताता है कि हमारे मोटर में करंट आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो चलिए इसकी हम लोग इसके कनेक्शन को समझते हैं और इसको करने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं इसके कनेक्शन में, कि जो स्पीड कॉइल होती है, स्पीड कॉइल के इनर पॉइंट से, ये जो आप अब देख रहे हैं एक नंबर जो हम दिया हमने, ये इनर कॉइल है। इस इनर कॉइल को आर्मेचर के एक सिरे पर हम ला करके जोड़ देते हैं। इस तरह से हमने आर्मेचर के एक सिरे पर ला करके जोड़ दिया। उसके बाद हमारा क्या होता है, उसके बाद दूसरा कॉयल है हमारा, ये जो कॉमन कॉयल है इसके इधर वाले सिरे को नहीं, इसके उल्टे वाले सिरे को, नहीं तो मोटर हमारी नहीं चलेगी। इसको हम ध्यान देंगे, इसके उल्टे वाले सिरे को हम यहाँ से लेकर के और कार्बन ब्रश के दूसरे पॉइंट पर जोड़ेंगे। आप समझने का प्रयास करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से हम इसके कनेक्शन को समझेंगे और आप अपने घरों की कनेक्शन भी इसके द्वारा कर सकते हैं अपने मिक्सर का। अब इसके दूसरे पॉइंट पर हम इसका कनेक्शन करेंगे, कार्बन ब्रश के दूसरे पॉइंट पे। ठीक है, अब जैसा देख रहे हैं हमने इसके इनर पॉइंट से स्पीड कॉइल के एक कार्बन ब्रश के एक पॉइंट पे किया और कॉमन कॉइल के दूसरे पॉइंट से हमने इसके कार्बन ब्रश के दूसरे पॉइंट पे किया। ठीक है, इस तरह से हमने इसका कनेक्शन कर दिया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो स्पीड कॉइलें होती हैं, जो आप यहाँ से देख रहे हैं स्पीड कॉइलें निकली हुई हैं, स्पीड कॉइल में अब हम क्या करेंगे। देखिए हमने दो तीन चार दिया हुआ है और यहाँ दो तीन चार दिया हुआ है, हमने इसलिए आप लोग समझने के लिए दिया है ताकि आप इसका कनेक्शन दो वाले में दो से, तीन वाले में तीन से, चार वाले में चार से करते हैं। चलिए हम इसका भी कनेक्शन उस हिसाब से करते हैं जैसे हमने इसका नंबरिंग किया है। नंबरिंग के हिसाब से हम पूरा इसका कनेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, नंबरिंग के हिसाब से हम इसका कनेक्शन करेंगे। चलिए देखिए, अब दो वाले को हम ला करके दो में करते हैं, हमने दो में कनेक्शन कर दिया इसका। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे कि तीन है हमारा, तो तीन वाले को हम ला करके तीन में करेंगे। ठीक, आप देख सकते हैं यहाँ से हमने तीन में कनेक्शन किया। ठीक है, उसके बाद चार वाले को हम चार में कनेक्शन करेंगे, हमने चार में कनेक्शन किया। देखिए इसमें हम इस कॉइल चार को चार में इसलिए किया और तीन में तीन को इसलिए, दो में दो को इसलिए किया क्योंकि ये जो दो होती है तीन से कम स्पीड की होती है, क्योंकि हम जब अपने रोटरी स्विच को घुमाते हैं तो दो पे कम स्पीड होता है, तीन पे हाई हो जाता है, चार पर उससे भी ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो हमारी स्पीड कॉइल होती हैं वो 270 या इतने आपकी मोटर की क्षमता, उसके बाद उसके टर्न को टेपिंग करके निकाला जाता है। जैसे हमने 270 टर्न किया तो फिर हम 50 करेंगे। ठीक, तो उससे क्या होगा, हमारा स्पीड बढ़ जाएगा, फिर उससे फिर 50 बढ़ाएंगे, इस तरह से करते करते हमारा वो स्पीड बढ़ते चला जाता है। ठीक है, अब हमने इसके रोटरी स्विच से कनेक्शन कर दिया। इसके बाद हम देखेंगे कि एक हमारा न्यूट्रल, क्योंकि इस मोटर को चलाने के लिए आपको फेज और न्यूट्रल की ज़रूरत होती है, तो रोटरी स्विच में चार पॉइंट होते हैं, तो हमने दो तीन चार वाले ऊपर वाले पॉइंट पे हम तो इसकी स्पीड को कंट्रोल कर दिया। अब नीचे वाले पॉइंट पे हम न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। देखिए यहाँ से हमने न्यूट्रल इसको दे दिया, यहाँ से नीचे वाले पॉइंट पे हम इसका न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। ठीक, उसके बाद एक इंडिकेटर है हमारे पास, तो इस इंडिकेटर को हम इस न्यूट्रल को यहाँ से इंडिकेटर में देने का प्रयास कर। देखिए हम यहाँ से इस न्यूट्रल पे हमने कनेक्शन किया। ठीक है, इस न्यूट्रल पे हमने कनेक्शन कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि फेस को हम लेकर के इस रिले के एक पॉइंट पर कनेक्शन करेंगे। देखिए हमने फेस का एक कनेक्शन इस रिले के एक पॉइंट पे कर दिया। ठीक है,
अब हम क्या करना है कि इस कॉमन कॉइल के जो एक पॉइंट बचे हुए हैं उसको रिले के दूसरे पॉइंट पर हम इसको कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। रिले के दूसरे पॉइंट पर हमने इसका कनेक्शन कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस इंडिकेटर को, ठीक, इस इंडिकेटर को हम चलाने के लिए यहां से फेस लेकर के डायरेक्टली हम यहां कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, ये इंडिकेटर जल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहां से इन पॉइंटों पे फेस भी मिल गया और न्यूट्रल भी मिल गया। तो इस तरह से हम अपना कनेक्शन कंप्लीट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो लंबा हो जाएगा, अगले वीडियो में हम इसके प्रैक्टिकली को देखेंगे, ठीक है। पूरे पूरे मिक्सर को खोल के उसके कनेक्शन को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए।